ये बहुत मेरा मन है, बट मैं सोच, ये देखो ये जो आई रात, ये देखो एक और मतलब है, इस बार हम जा रहे हैं ना गाड़ी से ना ट्रेन से, प्लेन से तो वहाँ जा ही नहीं सकते, तो भाई सबसे बेस्ट और सबसे फन मोड है बाइक, तो हम लोग जा रहे हैं बाइक से। तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 20 बाइक्स जा रही है एंड 4-5 गाड़ियाँ जा रही है, बिकॉज फैमिली भी है कुछ लोगों की, तो इट्स गोना बी फन। तब तक अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ व्लॉग्स इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो भाई अब हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं, रास्ते में हम लोगों ने पूरी रीग्रुपिंग कर ली है एंड हम लोग अभी जा रहे हैं मुरादाबाद वाले रास्ते से। आई होप आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज स्पीड थोड़ी मेनटेन करनी पड़ी है सिंस हम लोग ग्रुप में आए हैं। और ये जा रही निंजा 1000 इन एक्रा पोविक मेगाफोन एग्जॉस्ट। एंड रही बात कितने किलोमीटर्स है, तो आप लगा लो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से अराउंड 280 किलोमीटर्स है। और गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये हमारे ग्रुप के बंदे जा रहे हैं शिखर हायाबुसा पे, देन ये है नकुल हायाबुसा पे, एंड उससे आगे एक और हायाबुसा, ये एक और हायाबुसा सुप्रीत भैया की, ये गगन भैया की हायाबुसा। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं हापुड़। अब एग्जैक्ट किलोमीटर्स ये अराउंड आई थिंक 55-60 किलोमीटर्स है दिल्ली से, एंड ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भी, बस आई थिंक हाफ एन आवर 40 मिनट्स हुए हमें निकले हुए, एंड बहुत अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, एंड अच्छा करा हमने निकल गए। हम और थोड़ा जल्दी हो जाते बट देन ठीक है यार, लोग ज़्यादा है तो रीग्रुपिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एंड ओवरऑल बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन करी है। एंड ये भी बताओ यार, ये रेड एलॉयज कैसे लग रहे हैं हमारी निंजा के, ये बहुत मेरा मन है बट मैं सोच, ये देखो ये जो आई रात, ये देखो एक और, हम कम है क्या किससे। ओके स्कूल बस। बीस मोड इसने नीचे लगा रखा है, 20 मोड। ओबे भाई इसने गाय डरा दी, आई थिंक ये कैमरा पे भी आ गया है बेचारा। तो भाई ओवरऑल बहुत अच्छा जा रहा है, वेदर अच्छा है, ना बारिश हो रही है ना कुछ है, ना ज़्यादा गर्मी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं एंड इट्स फन। ये आ रही टोली, ये गए सारे गए। ये है हार्ली डेविडसन स्ट्रीट रोड, बातें करते ही करते सूरज देवता निकल आए हैं, वो रहे सूरज, एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड एकदम सुंदर लग रहा है। व्हाट अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, सबने बोल दिया आराम से चलाने। तो भाई ये छोटी सी रीग्रुपिंग हुई है सबकी बिफोर वी लीव, एंड देखो हंसी मजाक चल रहा है। तो भाई नैनीताल इज 206 किलोमीटर्स। हम अप्रॉक्सीमेटली कर चुके हैं 100 किलोमीटर्स। अब ये हम आ गए हवेली प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वाइज प्योर वेजिटेरियन आई डोंट नो, एंड यहाँ पे हमारे ग्रुप वाले हैं, आई थिंक यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकने वाले हैं। मुझे बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है हैंडल बार हिल रहा है, हैंडल बार थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है हल्का सा, मुझे लग रहा है हवा की दिक्कत है, बिकॉज पीछे वाला तो सही है, आगे वाला ना मतलब स्टेयरिंग अगर मैं छोड़ रहा ना हल्का सा। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं गजरोला विच इज अराउंड 150 किलोमीटर एंड राइड बहुत ज्यादा शानदार जा रही है, एंड अभी हमारे भाई अभिषेक ने एक छोटा सा फेवर करा था, उन्होंने ड्रोन दिया था, तो अभी ड्रोन फ्लाई करने वाले हैं, इसके बाद जो शॉट्स होंगे वो सारे ड्रोन से होंगे अगर उड़ गया शिखर से। Since the number one is the loneliest number that you'll ever do.
आई होप आप लोग को फुटेज पसंद आई होगी ड्रोन की। हम यहाँ पे ज़्यादा उड़ाया नहीं बिकॉज भाई कुछ छोड़ना भी तो है पहाड़ों के लिए, एंड वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आने वाला ड्रोन उड़ाने में बिकॉज वहाँ पे भाई पहाड़ों में फील ही अलग। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके बाद मिलते हैं। गाइज हमारा ब्रेकफास्ट हो गया ख़त्म एंड अभी वी आर जस्ट स्टॉपिंग फॉर फ्यूल। दो फ्यूल है बट पहले इससे भरवा रहे हैं बिकॉज आगे जाके वी डोंट नो कि कैसा फ्यूल मिलेगा, तो इट्स बेटर कि एक ही जगह से सारे भरवाएं आराम से। अप्रॉक्सीमेटली अभी 125 कर रहा हूँ एंड विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। तो राइड के बाद मैं इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बट देन फॉर नाउ इट्स अमेजिंग। तो भाई मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, ये देखो कोई पता नहीं है वैसे कैमरा पे आ गया है। तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ओवरऑल बाइक राइडिंग इज़ अ लिटिल डेंजरस, लिटिल क्या वेरी डेंजरस, बिकॉज इसमें ना 19-20 के फ़र्क से बहुत ओवरऑल रिस्क हो जाता है। अब जैसे ये है, जनरली हाईवेज में होना चाहिए कि यहाँ पे बैरिकेड्स लगते हैं जो आपने गुड़गांव दिल्ली वाले पे भी देखा होगा, बट देन जैसे ये है ये अलाउड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज इसके कारण अगर बाई चांस, तो वैसे तो जो लोग क्रॉस करते हैं वो देख के क्रॉस करते हैं बट बहुत लोग ब्लाइंड क्रॉसिंग करते हैं जिसके कारण बहुत डेंजरस हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल स्पीड भी मेंटेन करके आ रहा है, अगर 60 की भी स्पीड पे और अचानक से कोई आ जाए तो डेंजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और भाई ओवरऑल मेरी फर्स्ट रोड ट्रिप है एक सुपर बाइक पे एंड इट्स बिन गोइंग अमेजिंग एंड इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, बट देन प्रोज ज़्यादा है बिकॉज इट्स मोर फन, बहुत मज़ा आ रहा है फिलहाल तो, यू नो रेविंग कभी कोई लेफ्ट से कभी कोई राइट से। भाई ये शिखर ने क्रूज कंट्रोल लगा रखा है, वो उसने हैंडल पे लगा हुआ है उसके, जो मैं चोरी करने वाला हूँ वापसी में। गोप्रो गेटिंग सेक्सी, गुड ब्रेकिंग बाय निंजा 1000। चलो ये हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, कैमरा ऑन है, थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम यार, मिल भाई आप लोगों का ही प्यार है, ठीक है। चलो राइड सेफ जी। तो भाई ये हमारे सब्सक्राइबर मिले थे शिखर और मेरे, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे मिलके। एंड अभी रीग्रुपिंग, अब मुझे नहीं लगता रुकेंगे बिकॉज हम बहुत स्लो हो गए हैं रुकने के चक्कर में। जो हम रास्ता हमने अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटा ऊपर कर लिया है जो टाइम हमें जिसमें जाना था। तो भाई ये जो हमने लेफ़्ट टर्न लिया था ये बहुत गंदी सड़क है, ऐसा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर से चलता हुआ आ रहा है एंड अभी भी ऐसे ही है। सुपर बाइक ले तो लेते हैं, सुपर बाइक चलाने के लिए सड़कें ठीक नहीं हैं, दुख होता है एक एक गड्ढे के ऊपर से जब निकलती है। भाई थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं निंजा में। तो भाई एक बहुत ब्यूटीफुल पैच, ओहो विली विली, धीरे 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 धीरे। भाई ये गलत बात है, बिना किसी हेलमेट के इस चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रिक्टली स्टैंड लेता हूँ, ये बहुत गलत चीज़ है ऐसे करना। अप्रॉक्सीमेटली 210 किलोमीटर्स कर चुके हैं एंड ये अभी आया है रामपुर। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से भीमताल है अराउंड 140 किलोमीटर्स। बीच में हमें एक बार रुकना पड़ गया बिकॉज किसी की बाइक हीटअप हो गई थी, तो उसके कारण काफ़ी डिले हो गया है। एंड भाई अभी धूप बहुत पड़ रही है एंड गेयर के साथ राइड करना एक अच्छी बात है, बट देन बहुत पसीने आ रहे हैं, बता नहीं सकता मैं आपको। एंड बहुत छोटे छोटे सिटीज़ आके स्पीड आपकी पूरी स्लो हो रही है, बट देन इट्स ब्यूटीफुल, मतलब जो भी है बहुत सुंदर है भाई। हम किसी सिटी से निकलते हैं तो लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा प्राइसलेस रिएक्शन होता है, एंड वही दिन याद आ जाते हैं जब हम सुपर बाइक पे दूसरों को देखते थे। इसी से हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि भाई सबका दिन आता है, जस्ट बी रेगुलर एंड हार्ड वर्क करते रहो, ड्रीम्स हमेशा पूरे होते हैं अगर उसके लिए आप मेहनत करो
एंड एक रूट अपनाओ टू रीच व्हाट यू वांट इन लाइफ। बाबा सहगल के आज का ज्ञान का टॉपिक यही है, क्योंकि मुझे यार यही चीज़ याद आ जाती है जब लोगों का रिएक्शन देखता ना, बहुत अच्छा लगता है एंड वो खुशी दिखती है जो हम महसूस करते थे एक टाइम पे। तो भाई हमारी मंजिल सामने लिखी नहीं हुई, बट नैनीताल इज 34 किलोमीटर्स, हल्द्वानी इज राइट, रेलवे स्टेशन इज लेफ्ट, काठगोदाम। ओ हम काठगोदाम पहुंच गए हैं। गाइस ये ब्रिज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत रुकने का बहुत मन है, बट आई थिंक और भी आएंगे ऊपर। मैं इस रूट पे कभी नहीं आया, मैं हमेशा नैनीताल वाले रूट पे गया हूँ एंड आई थिंक ये रूट डिफरेंट है, आई माइट बी रॉन्ग। ये देखो यार ये लैंडस्लाइड हो रखे 100%। ये देखो बहुत गंदा लैंडस्लाइड हुआ ये। ब्यूटिफुल एंड भाई हायाबुसा थोड़ा हम दूरी चलते हैं बिकॉज पत्थर उड़ के आते हैं बहुत तगड़े तगड़े। हायाबुसा सारी लाइन में चल रही है, एक निंजा आगे है, एक निंजा लास्ट में है। मतलब मुझे वही दिन याद आ गया यार जब हम पहाड़ों में जाते थे ना, मैं किसी बाइक को देखता था ऐसे जाते हुए, प्यार हो जाता था यार, बहुत अच्छा लगता है। एंड इस बार तो हम खुद चला रहे हैं। बस चलती रही है सड़कें ना, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा जितना मुझे ये एक्चुअल करने में अच्छा लग रहा है, आप लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हो गए आई होप। ब्यूटीफुल भाई ये आ गया है भीमताल। एंड जिन लोगों को नहीं पता, एंड मुझे भी इतनी कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट देन नैनीताल भीमताल ऐसे 3-4 और सिटीज़ है एंड ऑल ऑफ देम आर अराउंड लेक्स। मुझे लग रहा था मेरी पहली ट्रिप है पहाड़ों में तो मैं ठीक ठाक परफॉर्म कर लूँगा एंड आई हैव डन प्रिटी वेल। बाकी कमेंट में बताओ कैसी लगी आप लोगों को मेरी ड्राइव। वो अलग बात है, थोड़े बहुत जो बुरे पार्ट होंगे मैंने काट दिए होंगे शायद, वैसे मैं नहीं काटूंगा। एंड ये देखो भाई व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से। एंड भाई व्हाट अ व्यू फ्रॉम द होटल रूम, अच्छे से दिखाऊंगा मैं एक बार, बट देन अभी के लिए इससे काम चला लो। और ये व्यू जो पीछे है ये अगले व्लॉग में डिटेल में पता चलेगा बिकॉज ये वाला व्लॉग हम कर रहे हैं यहीं पे एंड। हाँ जी ड्राइव कैसी थी? सड़कें रद्दी है, रद्दी है ना। इनफैक्ट अगर हम लोग आए दूसरे रास्ते से, अगर नैनीताल के रास्ते से आते तो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ही सेफ था, बट वो लंबा रास्ता था। लंबा का तो पता नहीं, अगर रोड अच्छी होती ना लंबा। ये रोड बहुत खराब थी, बीच में बस एक छोटा सा पैच था जो आई थिंक उसने प्रोग्रो में रिकॉर्ड हुआ था 13-14 किलोमीटर पहले था यहाँ से। मैं अच्छे वाले जहाँ पे मैं थोड़ा जो अच्छा वाला वो तो खैर वो थोड़ा सा था, बट आई होप मैंने कैप्चर कर लिया वो गोप्रो में बिकॉज वो बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है। पीछे इसको भेजा था थोड़े शॉट्स लेने के लिए, तो लेट्स सी ओवरऑल व्लॉग्स अच्छे होने वाले हैं। एंड अभी जो होटल रूम है वो मैं दिखाऊंगा अगले व्लॉग में बिकॉज वो भी बहुत अच्छा है, उसका व्यू रूम से देख ही रहे हो डिटेल में दिखाएंगे इसके बाद। तो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस, यार ऐसे ना इशारे मत करा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, जो तुम्हें पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग गोज लाइव। अब अगले व्लॉग में मिलते हैं विच इज पार्ट 2 ऑफ डे 1।